अभी हम यहाँ से अल्बर्ट हॉल से होते हुए आए हैं। ये अल्बर्ट हॉल का पीछे का हिस्सा दिख रहा है और यहीं से आते हुए ये देखिए मसाला चौक। मसाला चौक जो खाने पीने के शौकीन हैं उनकी यह सबसे पसंदीदा जगह है, मसाला चौक। चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या यहाँ पे मिलता है। ये चलिए देखिए मसाला चौक अंदर से कैसा है। यहाँ पे सभी डिफरेंट तरह की दुकानें हैं, डिफरेंट खाने की चीज़ें हैं पूरे इसमें। कलकत्ती चाट है, पानी पतासी वाले हैं, गुपचुप बोलते हैं जिसे, और ये शंकर समोसा वाले हैं, सेठानी का ढाबा। राजस्थान में जाए तो सेठानी का नाम क्यों नहीं आएगा, अवश्य आएगा। और ये फालूदा जयपुर के प्रसिद्ध बापू बाजार में है इनकी दुकान, लिखा हुआ भी है लिंक रोड पे। ये जो बहुत ही आपने नाम कभी जयपुर में आएंगे तो नाम सुना होगा गुलाब जी चाय वाले, तो वो इनकी भी ये यहाँ पर स्पेशल दुकान है। आपको सब गुलाब जी की चाय कैसी लग रही है? है बढ़िया है। अच्छा, हाँ? हमारे YouTube चैनल से है अपने, इसलिए और ज़्यादा आप लेके देखो, टेस्ट करके जरूर 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 लेंगे ना, क्यों नहीं। हम लोग पहले आपसे पूछ लेते हैं, फिर हम लोग जरूर लेंगे, टेस्ट करेंगे। जरूर जरूर। दिल्ली चाट, और यहाँ पर भी ये लस्सी वाले हैं, मक्खनिया लस्सी, गुलाब जामुन, गुलाब रबड़ी। और देखिए ब्रजवासी फालूदा केसर कुल्फी। बाजरे का खीचड़ा, सब राजस्थानी व्यंजन आपको मिलेंगे यहाँ पे। बाजरे की रोटी, सादा रोटी, दाल बाटी चूरमा, खीचड़ा। और यहाँ पाव भाजी और पानी पतासे यानी गुपचुप। और यहाँ सब ये बैठने की जगह हैं, यहाँ पर आप बैठ करके खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा व्यवस्था कर रखी है यहाँ पे। सम्राट की नाम से है ये शहर में, कहाँ पे है अपने? अच्छा, चौड़ा रास्ता में, ये बैंक के पास में है वो, है क्या? अच्छा वही है, वो तो काफ़ी पुरानी दुकान है वो वहाँ पे। हाँ, वो सब यहाँ पे जो फेमस दुकान है वो यहाँ पे आई है। बढ़िया है, एक ही जगह सबको खाने को मिल जाता, सभी अच्छी अच्छी जगह हैं। ये देखिए यहाँ पे समोसा, प्याज की कचौरी, और ये दाल की कचौरी है क्या? ये है दाल की कचौरी है। ये देखिए समोसा, बढ़िया टेस्टी लग रहा है। आ गए गोपाल सिंह जी पतासी भंडार में, आज हम लोग पतासी टेस्ट करके देखते हैं। Thank you.
बहुत मस्त है, तो बहुत ही टेस्टी है इनका। अभी तो हमने पानी पूरी खाए थे, अभी हम लोग दही पतासी जो कहते हैं कि यहाँ की बहुत ही टेस्टी है, तो ये भी हम लोग अभी खा के देखते हैं। तो भैया ने बहुत अच्छे से मन से बना के दिया है। एक मस्का बन कर दो। कुल्लड़ तंदूरी चाय, तंदूरी कॉफी, एक गुलाब जी चाय वाले। हम लोग भी यहाँ देखते हैं, चाय और कॉफी का आनंद लेते हैं गुलाब जी चाय वालों के। ये देखिए, आधे में चीनी डाल दो, थोड़ी थोड़ी फटाफट डाल दो, चाय ठंडी हो जाएगी। चाय लीजिए सर, तंदूरी चाय लीजिए, तंदूरी चाय लीजिए मोहित। ये आपके बन गई है तंदूरी कॉफ़ी, ये आपने देख ही लिया है कि किस तरह से तंदूरी कॉफ़ी बनाया जाता है, प्रोसेस देख ही लिया है। ये आपकी कितनी पुरानी दुकान है साहब? ये है अपनी 50 ईयर्स पुरानी दुकान है चाय कॉफ़ी की इनकी, और इसीलिए इनके गुलाब जी चाय वाले के नाम से जयपुर में काफ़ी प्रसिद्ध है इनकी, क्योंकि मैंने भी और कई चैनल्स में इनका नाम सुना है। आपका शुभ नाम क्या भैया? लोकेंद्र सिंह। आप जब भी कभी आए और मसाला चौक में आए और यहाँ पे आके चाय अवश्य पिए, और तंदूरी है देखिए तो बनाने का एक स्पेशल तरीका है यहाँ पे, और उसका टेस्ट भी स्पेशल ही मिलेगा। ये मोहित हमको बताएगा कैसी है चाय। बिल्कुल बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। तंदूरी चाय का कॉन्सेप्ट ही चलिए मैं भी ये जो कॉफी बनाया है चलो टेस्ट लेके देखता हूँ। देखिए एक जगह ही इतनी अच्छी, इतने अच्छे व्यंजन खाने को मिल जाते हैं, वो यहीं पे देखिए सब आकर के खाने का आनंद ले रहे हैं।